हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के वेयर एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट और जाहिर है जब x को हम कैपिटल x से रिप्लेस कर रहे हैं, y को हम कैपिटल y से, तो dy by dx जो है, बाकी तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये d ऑफ कैपिटल y डिवाइडेड बाय d ऑफ कैपिटल x बन जाएगा। तो इसलिए dy by dx में as such कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कुछ तब्दीलीज आ जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर वन कैन बी रिटन एज आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन डी ऑफ कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए वन कैपिटल एक्स प्लस एच बी वन कैपिटल वाई प्लस के एन प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए टू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी टू कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी टू। तो ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये जो शीट हमने डाली हुई है और सिलेबस भी डाल दिया है इसमें, ये एक्सरसाइज, अच्छा ये एक्सरसाइज जो है होमोजीनियस की, ये हम बुक से नहीं ले रहे सवालात, ये सवालात यहाँ पर इस शीट नंबर वन पे मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, देखिए यहाँ पर माइनस थ्री, दोनों में ऊपर भी माइनस थ्री है और डिनोमिनेटर में भी माइनस थ्री है, तो इस एक टर्म की वजह से, बाकी तो ये होमोजीनस है, इसकी डिग्री वन है, इसकी डिग्री वन है, टू एक्स डिग्री वन, वाई डिग्री वन, लेकिन ये माइनस थ्री दोनों जगह पे जो मौजूद हैं इनकी वजह से ये नॉन होमोजीनस है। तब हम क्या करेंगे इसमें, यही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इसके बाद दोबारा ये लिख लो, फुट x is equal to capital X plus H, y is equal to capital Y plus K, dy by dx is equal to d of capital Y upon d of capital X। तो ये तीन लाइन दोबारा लिख लो और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर वन विल बी इक्वल टू d of capital Y d of capital X is equal to x की जगह पर capital x plus h 2 into capital y plus k minus 3 divided by 2 into capital x plus h plus capital y plus k minus 3। और अब इसे जरा रीराइट कर लें राइट हैंड साइड को, x प्लस टू वाई को इकट्ठा कर लें एंड h प्लस टू के माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस टू एच प्लस के माइनस थ्री। लेट अस कॉल द इक्वेशन नंबर टू d of capital y upon d of capital x, let us call equation number 2।
अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि -3 जो यहाँ कांस्टेंट है तो परफेक्ट वैल्यू है, तो परफेक्ट वैल्यू को तो हम जीरो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाले का भी और ये डिनोमिनेटर में भी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों एक पोर्शन ऐसा है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हम जीरो ले सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस पार्ट इक्वल टू जीरो इंडिविजुअली, सो टेकिंग एच प्लस टू के -3 इज इक्वल टू जीरो एंड लेट अस कॉल इक्वेशन 3 एंड 2h प्लस के -3 इज इक्वल टू जीरो, लेकिन दिस पोर्शन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2 जो है नाउ दैट विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एंड लेट अस कॉल इक्वेशन 5। देखिए उतार लो जरा, फिर उसके बाद लिखते हैं आगे। जिन्होंने अगर अभी ज्वाइन किया है तो ये जो पहला पोर्शन है ये डिस्कस कर चुके हैं हम, इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी जाती है जिससे आप अगर रिवाइज करना चाहें लेक्चर तो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जो हर टर्म है वो सिंगल डिग्री की, आप चेक करना चाहें इसे चेक कर लें उसी तरह से कि लेट दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखकर एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखकर चेक कर लें तो दिस इज होमोजीनियस। तो इक्वेशन नंबर 5 इज, तो ये रिमार्क लिख लो अब, इक्वेशन नंबर 5 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर जाहिर है हम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले कर चुके हैं। फिलहाल आप ये करें कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 जो है, वी हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एच एंड के। तो चलो एच और के की इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एच और के की वैल्यू बताओ क्या आई। माइक बंद करना सर, वो कह रहे हैं कौन से चैप्टर का? ये वही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, उसी के आगे कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये बुक में सवालात नहीं है। ये सवालात मैंने अलग से जो आपको शीट दी थी शीट नंबर 1 पे ये सवालात मौजूद हैं, ये वही आर्टिकल कंटिन्यूअस है होमोजीनियस वाला।
सर 1 आ रही है जी सर, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, इज 1 एंड k इज 1, h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। तो बस अब नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 5 और उसमें पुट करें ना पुट, अब वही तरीका का जो होमोजेनस बन गया है, तो पुट y इज इक्वल टू कैपिटल y है, कैपिटल y इज इक्वल टू v ऑफ कैपिटल x, सो दैट d of capital y divided by d of capital x will be equal to v plus x dv upon dx, d of capital x of course। तो जब ये आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो 5 will be equal to y v plus x dv upon dx, and this is equal to in place of x, x will remain x, y की जगह पर आपको vx put करना है, 2x plus vx। तो आप देखें x common है, common निकालो, cancel कर दो, आपके पास पोजीशन ये आ गई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 वी अपॉन 2 प्लस वी। और अब इस v को उधर ले जाओ, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 वी अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी, एलसीएम लो, 1 प्लस 2 वी माइनस 2 वी एंड माइनस वी स्क्वायर। This implies x dv upon dx will be equal to 1 minus v square upon 2 plus v, इसको थोड़ा सा rewrite कर लेते हैं, minus को बाहर निकाल दोगे तो ये v square minus 1 बन जाएगा, ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो, और इसे भी बेहतर है कि v प्लस 2 करके लिख दो, माइनस को वहीं छोड़ें और वेरिएबल सेपरेट कर लें, तो v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा माइनस dx अपॉन x अभी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हेंस इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv, और इसको भी हम माइनस है तो इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। So now you have to integrate this. चलें जी partial fraction बनाएं, consider v plus 2 upon v minus 1 v plus 1 factor ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लो,
ए और बी की वैल्यू निकाल के दो भाई। सर ये कैमरा थोड़ा ऊपर करने, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। क्या का बोर्ड? बोर्ड पूरा नजर नहीं आ रहा ऊपर का जो, ये पोर्शन नजर नहीं आ रहा? नहीं ऊपर वाला। सर बोर्ड के ऊपर वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा। यस सर अब ठीक है, तो थोड़ा और ऊपर कर दो। अगर थोड़ा और सही है सर, राइट साइड वाला ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। सही है भाई अब? सेम प्रॉब्लम सर। जी ए और बी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आई? सर बी जो है माइनस वन बाई टू। बी जो है माइनस वन बाई टू और ए क्या हुआ? बी तो लिख दिया, ये बताओ ये क्या आया? सर बताओ सर, 3/2 है सर। ए 3/2 सर। 3/2 बस अभी ये वैल्यूज 7 में रख के और 6 में रखें। मैं डायरेक्ट 6 यूज कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 6 विल बिकम्स, सो दिस इंप्लाइज
इक्वेशन 6 एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 3/2i है a की वैल्यू, सो 1/v-1 एंड माइनस 1/2i है a की वैल्यू, दैट विल बी 1/v+1 एंड dv. तो ये तो आ गया आपके पास इसका इंटीग्रल, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन के साथ लिख दिया एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ dx/x एंड विच इज इक्वल टू 0. फाइनली वी हैव 3/2 इसका इंटीग्रल ln v माइनस 1 माइनस 1/2 ln v प्लस 1 प्लस ln x. और चूंकि सारी टर्म्स ln में है तो लिहाजा राइट साइड पे ln c. इन सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और साथ साथ चलो फिलहाल दिस पोर्शन पावर, दिस विल बिकम द कोफिशिएंट बिकम पावर ऑफ v माइनस 1 3/2. फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ln of v प्लस 1 पावर हाफ प्लस ln of x इज इक्वल टू ln of c. And this implies ln of v minus 1 की पावर 3 v प्लस 1 और इस पूरे की पावर हमने हाफ ये फॉर्म में लिख दिया ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको होल पावर हाफ जो है ऊपर लिख दी अलग से. और ये जो x है ln x इसको आप यहाँ लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ln c. ज़ाहिर है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से आपके पास v आएगा जो कि y अपॉन x है, और अगर यही हम कन्वर्ट कर दें स्मॉल y में तो दैट विल बी, क्योंकि h भी 1 है और k भी 1 है, तो कैपिटल y विल बी इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1 एंड स्मॉल x माइनस 1. तो हम v की जगह पर जहाँ जहाँ v है ये रिप्लेस कर दें, जहाँ x है उससे रिप्लेस कर दें, या अगर चाहें आप तो ये स्टेप अभी ना करें तो कंफ्यूज ना हो जाओ, तो चलो इसे मैं मिटाई देता हूँ, बाद में कर लेंगे. v इज इक्वल टू y अपॉन x रखो, this implies ln x v की जगह आप रखेंगे y upon x minus 1 power 3 y upon x plus 1 and its whole power half. और बेहतर यह है कि ln को रिमूव कर दें, दोनों तरफ ln मौजूद है तो ln को रिमूव कर दें, या बाद में रिप्लेस कर देना, इसके बाद कर देना. एलसीएम ले लें विद इन दिस स्मॉल ब्रैकेट, सो वी हैव एक्स हियर, एलएन रिमूव कर दिया है हमने, एलसीएम लोगे तो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड इट्स पावर 3 divided by y plus x divided by x
and the whole power is half, and this is equal to c. देखिए ये x बाहर है विद इन ब्रैकेट ये चीज आ जाएगी y माइनस वन होल क्यूब y माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब डिवाइडेड बाई y प्लस x एंड डिवाइडेड बाई x. तो पहले तो इस एक एक्स को कैंसिल करोगे तो यहाँ पावर टू रह जाएगी और जब एक्स स्क्वायर को आप बाहर ले जाओगे इस हाफ पावर से तो ये एक्स होके बाहर जाएगा तो ये जो एक्स है ये भी इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आप चाहें तो वापस दोबारा अलग अलग करके लिख लो थ्री अपॉन टू एंड वाई माइनस प्लस हाफ पावर this is equal to c. ये x x भी कैंसिल बेहतर है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें so this implies y minus x power 3 upon 2 is equal to c into y plus x power half. ये आ गई आपके पास पोजिशन उतार लिया यहाँ तक और अब आपको रिप्लेसमेंट कर दे कैपिटल से वापस स्मॉल में आ जाए y माइनस वन माइनस x माइनस वन होल थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू c इंटू y माइनस वन प्लस x माइनस वन पर हाफ. The final answer we have y minus x minus ये तो cancel हो जाएगा minus plus cancel हो जाएगा और this is equal to c into y plus x minus 2 power half that will be the answer. खत्म हो गया यहाँ हेलो जी खत्म हो गया यहाँ ये आंसर आ गया ना आपके पास. अच्छा एक चीज मैं शुरू में बताना भूल गया हूँ वो लिख लें जरा आप कि यहाँ पर दो केसेस होते हैं. केस वन ये है ये केस वन का सवाल था. केस वन ये है कि इफ
a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 जो था पेयर शुरू में ही हमें लिखना था, पेयर a1 is 1, a2 is 2, b1 is 2 and b2 is 1. जाहिर है जब आप रेशियो निकालोगे तो यहां से हाफ आएगा, this is half a1 upon a2 is half and this is 2 upon 1. So both are not equal. So this is case 1. ये शुरू में लिख लेना या हम सवाल के बाद, जो सवाल लिखता है उसके बाद ये चीज लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 जरा ट्राई करो. dy अपॉन dx y माइनस x प्लस 1 अपॉन y प्लस x प्लस. जी कुछ कह रही हैं आप? देखिए वो जो चीज है यहाँ हम लिख लेते हैं इस सवाल में और उसके बाद आप कंटिन्यू करें इसे. अगर हमने ऊपर न्यूमिनेटर का जो एक्स का कोफिशिएंट था उसे कहा था ए वन, तो हेयर ए वन इज माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट को हमने ए वन कहा था, वाई के कोफिशिएंट को हमने बी वन कहा था, डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट को हमने a2 कहा था एंड डिनोमिनेटर में y के कोफिशिएंट को हमने b2 कहा था. आप देखें कि a1 अपॉन a2 आपके पास है माइनस 1 अपॉन 1 और b1 अपॉन b2 आपके पास है 1 अपॉन 1. माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1. इसलिए दिस इज ऑफ केस 1. या चलिए ऐसा करते हैं कि इसको आप ट्राई कीजिएगा और कल फिर इसका आप मुझे जवाब बताइएगा. हम चलते हैं केस 2 की तरफ. ये उतार लिया है सब? सर अभी भी स्क्रीन ऊपर से नहीं दिख रही यार मुझे तो. ये पट्टी जो है अपने ऐसा ये लाइन नहीं आ रही, ये वाली लाइन जो आपका हाथ गया ना अभी यहाँ थोड़ी. यस सर ये वाली लाइन नहीं आ रही मेरे पास जो कंप्यूटर में, तो मेरे पास तो सब कुछ ऊपर की पट्टी तक आ रही है. सर यस सर अब सही हो गया. यस सर आपसे प्रॉपर हो गए सर. थैंक यू सर. ठीक है उतार लो ये लेफ्ट साइड पे जो था सॉल्यूशन उतार लिया था पिछले सवाल का. तो हम चलते हैं केस 2 की तरफ. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. ये एग्जांपल 6 इस पे मैंने नंबरिंग की हुई है. सवालात पर x माइनस y माइनस 2 dx माइनस 2x माइनस 2y
माइनस थ्री डी वाई इज इक्वल टू जीरो, लेट अस कॉल इक्वेशन वन. पहले तो इसे रिराइट कर लो इस फॉर्म में. अरे इसको आप उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डी वाई का कोफिशिएंट इसके नीचे आ जाएगा, डी एक्स उसके नीचे चला जाएगा. सो वी विल हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमिनेटर में और डी वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर. सर जी सर बहुत ब्लर आ रहा है. क्या हुआ अच्छा? बहुत बहुत ब्लर आ रहा है. नहीं ना सर ऊपर की लाइन करें ना, भी नजर नहीं आ रही करीब पड़ने से. पूछें ऊपर वाली लाइन नजर आ रही है भाई? सर अब सही है, कुछ बेहतर है? लाइन वाइज सब नजर आ रही है, ब्लर हो रहा था. नहीं पहले वो तो नजर नहीं आ रही थी ना ऊपर की लाइन, अब बताइए तस्वीर कुछ बेहतर है? फ्रेम पे फिट नहीं किया हुआ होगा वरना नजर आ रही है, ब्लर हो रहा है बस मतलब. सर धुंधला हो गया, धुंधला. हां वो सही है, हो रहा है सर. में लाइटिंग तो यहां है अच्छी खासी, लेकिन वो शेड पड़ रहे हैं ना कुछ. सर मसला ये है कि किसी का नेट सही चल रहा होता है, किसी का बुरा चल रहा होता है, बोर्ड नजर नहीं आता, इस तरह नहीं पड़ा यार. अब इस बारे में तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मजबूरी है, क्या करें. सर देखो किसी का बेहतर हुआ, बेहतर हुआ कुछ, बेहतर हुआ? नहीं सर बिल्कुल बेहतर नहीं. सर जो पहले दिख रहा था वो भी गया. अब पहले लिखा था, अब क्या हाल है? कुछ लाइटें बंद कर रहा हूं मैं यहाँ पर. कुछ बेहतर हुई तस्वीर? दिख रहा जी सर, अब नीचे वाले बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा. अच्छा कोई बात नहीं, बोर्ड तो सही कर लेंगे, तस्वीर साफ है अब कुछ भी? यस सर तस्वीर तो क्लियर है. चलो ठीक है सर, सिर्फ इसे क्लियर दिख रही है, बाकी किसी को क्लियर नहीं दिख रही. अच्छा सिर्फ इसे क्लियर दिख रही है. सर ब्लर आ रही है स्क्रीन. सर एक स्क्रीन शेयरिंग का तरीका होता है, उससे आप कंप्यूटर के अंदर ही जो भी आप लिख रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही लिखें तो वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है. कैमरा यूज करेंगे तो सर वो ब्लर होगा, किसी के पास किया नेट सही चल रहा, आपका नेट सही चल रहा, सबको मसला होगा. कुछ बेहतरी हुई नहीं हुई? कुछ लाइटें इधर उधर करती हैं, नहीं हुई तस्वीर में बेहतरी? है? मैंने चैट पे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसमें देखे हैं ऐसे ब्लर आ रहा है. तो एक काम कर लेना कि अभी तो देख लो, और क्योंकि रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग देख के बताना कि रिकॉर्डिंग कैसी आई है, इसको रिवाइज कर लेना लेक्चर को.
चले अभी तो फिलहाल जो भी जैसा नज़र आ रहा है इसको गुजारा करें, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट कल के लिए। तो ये मैंने सवाल लिखा है, अब आप यहाँ देखिए जो इक्वेशन वन को हमने इक्वेशन टू जो बनाई है, तो अब यहाँ लिख लें कि हेयर ए वन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हेयर ए वन इज वन, ए टू इज टू, एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में ए वन, एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में ए टू, वाई का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में माइनस वन एंड वाई का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में माइनस टू। सो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड बी वन अपॉन बी टू is equal to minus 1 upon minus 2, which is again 1 upon 2. So this is case 2 here, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. ये जो केस होता है, ये जरा केस उसकी बनिस्बत को अच्छा खासा बड़ा सवाल था, लेकिन ये केस जो है उसकी बनिस्बत जरा सेकंड केस आसान है, इसलिए कि अगर आप नोट करें तो ये इक्वल जब ही होगा जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो एग्जैक्ट वो जो होमोजीनस वाला पोर्शन है, तो डिनोमिनेटर में से अगर एक्स और वाई में से टू कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो डबल ऑफ न्यूमिनेटर है, तो सेम टर्म आ जाएगी आपके पास, तो उस पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर टू कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन 2 into x minus y minus 3। सर बोर्ड नहीं दिख रहा सर, ऊपर का बोर्ड ही नहीं दिख रहा, या बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा? ऊपर वाला, ऊपर वाला लिखा हुआ नहीं दिख जी। चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ भाई, this implies dy by dx, यहाँ नजर आ रहा है? यस सर। x माइनस वाई माइनस टू और डिनोमिनेटर में से हमने x माइनस x और y में से 2 कॉमन ले लिया है। सो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 3, और अब आप ये देखिए क्योंकि ये दोनों एक जैसी चीज है तो ये हमेशा इस केस में हर सवाल में ऐसे ही होगा कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कुछ मल्टीपल के साथ, जैसे यहाँ 2 का मल्टीपल है ऐसे ही 1 अपॉन 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, तो इस पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो वहाँ हमने दो रिप्लेसमेंट करनी पड़ी थी केस वन में, यहाँ हमें बस एक रिप्लेसमेंट से काम चल जाएगा। तो लेट अस पुट z इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो जाहिर है डी वाई बाई डी एक्स भी रिप्लेस होगा, तो डी जेड अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा और उसको इधर ले आओगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये रिप्लेसमेंट आपके पास बनेगी डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करोगे और एक्स माइनस वाई की जगह ये पुट करोगे,
तो इक्वेशन नंबर थ्री बिकम्स dy by dx की जगह 1 माइनस dz अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 2 न्यूमिनेटर में एंड 2z माइनस 3 डिनोमिनेटर. तो आप देखें लास्ट इक्वेशन में ये पोजीशन हमारे पास आ गई कि सिर्फ x एक जगह पर है dx और बाकी जहां भी है वो z है. वेरिएबल सेपरेट आसानी से हो जाएंगे. तो बस ये रिप्लेसमेंट है जो हमने की है इस केस में. तो पहले इस 1 को इधर ले जाओ या अगेन dz अपॉन dx को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2z माइनस 3. एलसीएम ले लो, 2z माइनस 3 माइनस z और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा. सिंप्लीफाई कर लें सिंप्लीफाई होके ही आ गया. और अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लें. 2z माइनस 3 अपॉन z माइनस 1 dz इधर आ गया है और इस तरफ आपके पास dx आ गया. वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हैंस इंटीग्रेट. कैसी आवाज आ रही है सर? कैमरे को साफ करने की कोशिश कर रहे थे भाई, इसके कुछ बेहतरी नजर आई तस्वीर में? नहीं. पहले बार ये पोजीशन है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है. तो कितनी देर में इंटीग्रेट करके दोगे? ये बताइए बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नजर आ रहा है? हेलो, चले गए क्या सब?
सर सही है, समझा रहे क्या है आखिरी आखिरी में क्या लिखा हुआ है? dz upon dx is equal to 2z minus 3 minus z. ये इधर वाला बता रहे हो? जी सर, वो साइड नजर वो साइड लिखा yes, है इसके बाद आखिरी में ये इंटीग्रेशन बनाया है ना, इंटीग्रल ऑफ तो नजर नहीं आ रहा, वो लिख रहे इंटीग्रल ऑफ न्यूमिनेटर में 2z minus 3 एंड डिनोमिनेटर में z minus 1 dz is equal to इंटीग्रल ऑफ dx. तब इसे इंटीग्रेट कितनी देर में करके दोगे? चलो इंटीग्रेट करो, सिंपल सा इंटीग्रल है. कुछ आया इंटीग्रेशन? ये बताएं मैं लिख लूंगा सर. टू इंटू जेड प्लस लॉग जेड 2 into z प्लस है या माइनस है? माइनस है सर. माइनस आएगा ना. ब्रेक कर लो इसे, जिसने नहीं किया है. देखिए ये लीनियर एक सिंगल लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, और आप ये देखें इसे अगर आप 2z माइनस 2 की फॉर्म में लिख लोगे, यू कैन राइट दिस एज 2z minus 2 and minus 1 कॉलर कर दो. डिनोमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर को आपने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में. जाहिर है यहाँ जब 2 कॉमन लोगे तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. वी जस्ट हैव इंटीग्रल 2 एंड माइनस 1 अपॉन z माइनस 1. और जाहिर है राइट हैंड साइड पे आपके पास इंटीग्रल dx है. फाइनली
डिग्रेड किया आपने तो दिस इंप्लाइज टू जेड माइनस एल एन जेड माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स एन प्लस सी. तो सिर्फ एक एल एन की टर्म है तो इसलिए मजीद कुछ एल एन लिखने की जरूरत नहीं है सी के साथ. अब आप रिप्लेस करते हैं जेड जो आपने पुट किया था. क्या पुट किया था जेड को? एक्स माइनस वाई पुट किया था. एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब आप चाहें तो इस x को भी यहाँ लाके कंबाइन कर लें, चाहे तो बस ऐसे ही छोड़ दो. दिस विल बी दी आंसर. एग्जाम्पल फाइव क्वेश्चन फाइव. एक्स प्लस टू वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई. इसके थोड़ी सी फॉर्मेट में फर्क है, तब्दील है दूसरे सवाल जो अभी तक हमने लिखे थे उसमें. तो पहले आप ये करेंगे कि डी एक्स के सारे कोफिशियंट इकट्ठे करो, डी वाई के सारे कोफिशियंट इकट्ठे करो. ओपन दिस ब्रैकेट, यू कैन राइट दिस एज एक्स प्लस टू वाई डी एक्स के साथ, और इस डी एक्स को भी इधर ले आओ. And x plus 2y dy के साथ with negative sign है क्योंकि minus आएगा, और इसको भी इधर लाओगे या इसको इधर ही रहने दो. ये चूंकि negative sign के साथ है इसे इधर ले जाना. यहाँ से dx common निकालोगे तो dx के साथ आपके पास आ जाएगा x plus 2y minus 1 dx. और जब इसे इधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, और इसी तरह से dy कॉमन निकालोगे तो x plus 2y that will become plus 1 dy. तो ये आपके पास पोजीशन आ जाएगी, that is called equation 2. और फिर चाहें तो आखिर में आप इसे dy by dx की फॉर्म बना लो. अगेन ये इसके नीचे आ जाएगा x plus 2y minus 1 and x plus 2y plus 1, that is for equation 3. यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, x प्लस टू वाई x प्लस टू वाई. तो इसे z से रिप्लेस करो. करो इस सवाल को भी, 15 मिनट है हमारी क्लास के, ट्राई करो इस सवाल को. मेरा ख्याल 15 मिनट में हो जाना चाहिए.
अच्छा अब आप ये बताइए कि आपके पास किस किस के पास ये क्लियर है, क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है या आवाज आ रही है, किसके पास नहीं आ रही है? अच्छा किसके पास आ रही है ये बता दो। अब क्लियर है कुछ तस्वीर? नो सर। इसने अच्छा हाथ खड़े करने की बजाय मुझे सिर्फ ये आवाज़ में बता दो कि किसके पास क्लियर स्क्रीन है, और जिसके पास क्लियर स्क्रीन है वो उसका शॉट लेके और डाल दे ताकि दूसरे उसको ले लें। ना तो किसके पास क्लियर है वही स्क्रीन? साइड क्या? मैं साइड पे हो जाऊं? क्वेश्चन है जिसके पास के क्लियर आ रही है वो इसका शॉट लेके आप डाल दीजिए ताकि लोगों को नजर आ जाए, और फिर इसे आगे कंटिन्यू करो।
ये लिखा हुआ दो स्टेप दो तीन स्टेप के बाद जो आया होगा आपके पास dz upon dx क्या आया सिंप्लीफाई होके राइट हैंड साइड पे क्या आया है आपके पास वेरिएबल सेपरेट करने से पहले आप बताइए कि यहाँ क्या आया या वेरिएबल सेपरेट करने के बाद बता दोगे क्या पोजीशन आई है इतना तो बता दोगे यहाँ मैं क्या लिखूं इस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं क्या हुआ किसी ने भी रिप्लेसमेंट नहीं किया ये दो लाइनें हैं बीच में जो मैंने गैप छोड़ा है क्या वो थक गए हो थक गए क्या भाई सारे आवाज तो दे दो यार जवाब तो दे दो भाई मैंने सवाल पूछा है कि ये मैंने लिखा है ब्रैकेट उस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूं दो तीन स्टेप के बाद आपको यहां पहुंच जाना चाहिए यू जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस x प्लस टू वाई बाई जेड जेड से करो u से करो v से करो जिस तरह रिप्लेसमेंट करना चाहे करें हमने z लिख दिया है तो आप z में लिख दो तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगी ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होगा तो जो ब्रैकेट में कुछ लिखा जाएगा वो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं आवाज आ रही है मेरी कट गए मेरे ख्याल से चलो खैर जो मौजूद है भाई ये कंप्लीट करो z is equal to x plus 2y put z is equal to x plus 2y so this implies dz upon dx will be 1 plus 2dy by dx dz upon dx इसके बराबर है तो dy वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा इस 1 को इधर ले आओ तो dz जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू डी वाई बाई डी एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई 1 अपॉन टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रिप्लेसमेंट है x प्लस टू वाई की जगह पर ये रिप्लेसमेंट है तो ये रिप्लेसमेंट कर लो और उसके बाद इसे कंटिन्यू करो हमारी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इसे और तो इसका जवाब कल मुझे दे दे ठीक है भाई तो अल्लाह हाफिज़ फिर कल मुलाकात हो गया जी जी बोलें तो सब नहीं मेरा ख्याल है माइक खोल लेते हैं तो आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आती है जिसे नजर आ रहा है मैंने कहा ना भाई वो स्क्रीनशॉट डाल दे इसको इस ये मैंने बोलता भी गया हूँ मैंने सही
ऊपर वाला पोर्शन नजर नहीं आ रहा। पुट z इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो इसको आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, इसे कल मुलाकात होगी, कल मुझे इसका जवाब बताना क्या आया। सर ऊपर वाला स्टेप नहीं दिख रहा सर। अटेंडेंस हो गई है, और बल्कि कई कई मरतबा आप लोग प्रेजेंट लिख देते हैं, और हम 12:37 तक पे भी अटेंडेंस डाली हुई है मोहम्मद निसार ने, तो बार बार पी डाले जा रहे। सर ऊपर वाला स्टेप नजर नहीं आ रहा सर। सर ऊपर वाला स्टेप नजर नहीं आ रहा। ऊपर वाला जो मैंने लिखा है z is equal to x plus 2y, और फिर डेरिवेटिव लिया है dz upon dx is equal to 1 plus 2dy by dx। अब ठीक है सर। सर मैंने आपको पहले मैसेज नहीं देखा था, इसलिए मैंने उस टाइम प्रेजेंट मार्क की थी। चलिए कोई बात, थैंक यू सर। सर मैंने भी शुरू में अटेंडेंस लगाई थी, तो मैंने बाद में प्रेजेंट लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, तो आ गई है आपकी अटेंडेंस, और ये शिफ्ट हो जाती है एक्चुअल वहाँ पोजीशन पे, आपकी यू आई टी डायरेक्ट चली जाती है इससे। ओके सर, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।